खुशी की बात है कि आप लोगों का सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। पिछले वीडियो में ध्यान की पहली पद्धति को मैं जो बताया हूँ वो जनमानस में बहुत ही लाभप्रद हो रहा है, लोग इससे बहुत लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने यह एक अद्भुत पद्धति बताया है, जो व्यक्ति बहुत ही सरल भाव में, सहज भाव में कहीं भी इसको करके रिलैक्स हो सकता है, तनाव मुक्त हो सकता है और जीवन में जो भी डिसीजन लेगा वो सही और सोच समझ कर लेगा। व्यक्ति प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ नए मुकाम पर हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है। जब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति तभी लगा सकता है जब उसका मन शांत हो, विचार में शक्ति हो और वह विचार जो उसके जीवन को आगे ले जाए। ऐसी ही पद्धति आज ध्यान की दूसरी पद्धति मैं आप लोगों के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले वस्तु स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। वह इस प्रकार कि प्रत्येक व्यक्ति जितना अधिक ऊर्जावान रहेगा वह उतना ही अधिक अपना योगदान अपने कार्य क्षेत्र में दे सकता है, चाहे वह कहीं अपना बिजनेस कर रहा हो, चाहे वह कहीं नौकरी कर रहा हो। एक छोटी सी बात समझिए, कोई एक कमरा है, एक रूम है जो कि सालों साल से बंद पड़ा हुआ है, वहां धूल की इतनी परत जमी हुई है, तो अगर कोई व्यक्ति उसमें रहना चाहता है, उसमें रहने जाता है, तो वह समझिए कि धूल में ही सना करके रहेगा, धूल में ही उसमें समाहित हो जाएगा, उसकी स्वच्छता खत्म हो जाएगी। स्वच्छता से दो प्रकार की चीज होती है, हेल्थ और वेल्थ दोनों समृद्ध होता है। उसके अंदर स्वास्थ्य भी समृद्ध होता है और उसके अंदर सुख समृद्धि भी समृद्ध होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छे शांत भाव से, अच्छी मानसिकता से रहने जाएगा उस कमरे में, तो सबसे पहले पूरी उसकी सफाई करेगा। अगर वो सफाई नहीं कर पाता है तो उसी गंदगी में उसे जीवन यापन करना पड़ेगा और फिर चाह करके भी स्वच्छता समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर भी सालों से मन में गंदगी जमी हुई है, अपने विचारों में गंदगी जमी हुई है, पूरी शरीर में गंदगी जमी हुई है, उसकी जो मन स्थिति है उसी गंदगी में है, तो जिस तरह उस कमरे को साफ करना आवश्यक है उसी तरह इस ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा अपने अंतःकरण को वह शुद्ध कर सकता है, उसका शुद्धिकरण हो सकता है। जब जितना ही शुद्धिकरण होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतना अधिक वो अपने किसी भी कार्य में परिणाम दे सकता है। यह छोटी सी बात समझना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति ऊर्जावान तभी हो सकता है जब उसकी मन स्थिति शांत हो, उसके अंदर भरपूर शांति हो, उसके अंदर ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में हो। ऑक्सीजन से विज्ञान ये कहता है कि जितना अधिक हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उतना ही अधिक हमारे अंदर ऊर्जा संचालित होता है, हम ऊर्जावान होते हैं, उसकी कोशिकाएं जो है वो चार्ज हो जाता है। जैसे एक छोटी सी बात समझे कि कोई भी बैटरी को हम उपयोग में लेते हैं, जब चार्ज करते हैं तो पूरा परिणाम देता है। उसी तरह हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं तो
वह फिर हम दूसरे दिन कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जैसे रात्रि में गहरी अच्छी नींद आती है तो दूसरे दिन हम उतना ही अधिक ऊर्जावान रहते हैं। ठीक उसी नींद की तरह अगर हम ध्यान की छोटी सी पद्धति को करके 10 से 20 मिनट करके हम ऊर्जावान हो सकते हैं। ठीक उस बैटरी की तरह अपने शरीर को व्यक्ति पूरा चार्ज कर सकता है और किसी भी कार्य के लिए अपने को तैयार कर सकता है, मन स्थिति से और अंत स्थिति से, दोनों से। तो जब मन और अंत स्थिति दोनों सही होता है तो शरीर की जो शक्ति है कई गुना बढ़ जाती है। जब कई गुना बढ़ जाती है तो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, शांत होकर के करता है और बहुत ही कोई भी निर्णय लेता है शांतिपूर्ण ढंग से लेता है। उसका परिणाम फिर उसी तरह से आता है, पूर्ण परिणाम आता है, अधूरा परिणाम नहीं आता है। पूरा परिणाम के लिए आपको पूर्ण होना आवश्यक है और आपको पूर्ण होने के लिए आपको बहुत ही तनाव रहित रहना आवश्यक है, शांत रहना आवश्यक है। आपके अंदर असीम शांति हो तो असीम शक्ति से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। छोटी सी बात समझें कि जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो हमें उस कार्य को करने के लिए ठोस डिसीजन लेना पड़ता है। अगर डिसीजन आपका गलत है तो परिणाम गलत है। यह ध्यान में उतनी शक्ति है कि आपको डिसीजन को मजबूत कर सकता है। आप सही डिसीजन ले सकते हैं, सही दिशा में आपका डिसीजन होगा तो सही दिशा में आपका परिणाम होगा। एक छोटी सी बात समझे कि यह क्यों आवश्यक है। एक बहुत सी बात लोगों के समझ में नहीं आती कि दो प्रकार के वास्तु व्यक्ति के जीवन में इर्द गिर्द अगर समाहित हो जाए तो वह व्यक्ति पूरा परिणाम ले सकता है। असीम शांति उसको मिलेगा, असीम समृद्धि मिलेगा। जब समृद्धि आएगी तो असीम खुशी होगी, आनंद होगा, सुख प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति के चार हैं अर्थ काम मोक्ष, ये सारा चीज जो है, फिर उसके बाद हम जो है धर्म में जाते हैं, तो ये सारा तीनों चीज उसके लिए आवश्यक है। तो जब वो आवश्यक है उसे हम कैसे प्राप्त करें, अंदर की वास्तु और बाहर की वास्तु दोनों अगर सही हो जाए तो बिल्कुल परिणाम 100% आएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है, पूर्ण वास्तु से रहता है, वास्तु से बना हुआ है, वास्तुशास्त्री से लाखों रुपया खर्च करके वो बनाया है, लेकिन अंदर की वास्तु उसकी सही नहीं है, मतलब व्यक्ति स्वतः सही नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देंगे जो इतिहास में सर्वविदित है। लंका, श्रीलंका को कुबेर जी ने बनाया था और कुबेर जी के आदेश से विश्वकर्मा जी जो वास्तु के या देवता के शिल्पकार माने जाते थे, शिल्पकार देवता है, उन्होंने श्रीलंका का निर्माण किया था। श्रीलंका तो वास्तु से बना, स्वर्ण का था, लेकिन उसमें रहने वाला व्यक्ति जो था उसका वास्तु सही नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, इतिहास जानता है। ठीक वहीं पे एक कुटिया में विभीषण जी रह रहे थे, लेकिन उनके अंतःकरण का वास्तु बहुत मजबूत था, उनके शारीरिक वास्तु बहुत मजबूत था, उनकी मन की वास्तु बहुत, उसकी आत्मा की वास्तु बहुत सही था। तो पूरे लंका जल के भस्म हो गया, लेकिन विभीषण जी का वह कुटिया नहीं जला। इसका परिणाम यह आया कि दोनों तरह का वास्तु, पहले अंदर की वास्तु और फिर बाहर का वास्तु, बाहर की वास्तु जो भौतिक वास्तु है जिसे हम देखते हैं, मकान हुआ, बंगला हुआ और किला हुआ, राजा महाराजा, छोटी सी गलती कहीं भी हुई तो व्यक्ति उसका परिणाम बर्बादी में आ जाता है। अब हम वास्तु के इस चर्चा को तो पूर्ण करते हैं क्योंकि दूसरे वीडियो में पूरी वास्तु के बारे में आपको बताएंगे, तो अंत वास्तु के बारे में भी बताते हैं कि व्यक्ति कैसे अपने आप में पूर्ण रूप से शांतिमय होकर के, तनाव मुक्त होकर के कार्य कर सकता है। निश्चित रूप से उसका परिणाम सही आएगा।
वो व्यक्ति समृद्धि को पाएगा, असीम समृद्धि उसके पास होगी, धन ही धन होगा, मां लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर होगी। एक छोटी सी बात, जिसका घर जितना भी स्वच्छ रहता है, दीपावली में हम पूरी सफाई करते हैं, अंदर से भी करते हैं, मन में भी प्रसन्नता होती है कि हमें दीपावली मनाना है, तो अंदर भी खुशी रहती है, परिवार में भी खुशी रहती है, घर में भी सर सफाई रहता है, कोने कोने को साफ करते हैं, तो कैसा महसूस करता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। वही स्थिति है, तो अंत की वास्तु प्राणायाम और ध्यान पर निर्भर करता है। आज के चंचल समय में, वर्तमान समय में, भाग दौड़ के समय में, दौड़ की दुनिया के समय में, और ये महामारी के समय में, COVID-19 के समय में, सब विचलित हो गया है। अब उसे संतुलन देना, उसे शांति प्रदान करना, यह प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है जो इस क्षेत्र में अपना ज्ञान रखते हैं। उसी को देखते हुए मैं यह आपको दूसरी पद्धति ध्यान की बताने जा रहा हूं। ध्यान की पद्धति में सबसे पहले जो मैं बताया था, पहली पद्धति कि आपको अलोम विलोम करके आप सांस की प्रक्रिया को करके अपने को शांत करते हैं, 10 मिनट का कार्यक्रम बताया था, आप चाहें तो पीछे की वीडियो में लिंक पे जाकर के दे सकते हैं। तो हम अब विशेष रूप से जो आपको ध्यान बताने जा रहे हैं, ध्यान की दूसरी पद्धति बताने जा रहे हैं, इसी दृष्टा भाव ध्यान कहते हैं, साक्षी भाव ध्यान कहते हैं। यह ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको अंतःकरण में अपने आप उतरते चले जाएंगे, वो अपने आप पहुंचा देगा। करना क्या है, सबसे ध्यान आंख बंद करके हम बैठेंगे, अलोम विलोम करेंगे, फिर हम 5 मिनट के लिए ध्यान तेजी से लेना और छोड़ना, गहरी सांस लेना और छोड़ना, गहरी सांस लेना और छोड़ना, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं, मन को छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर होकर के छोड़ देंगे। इसे दृष्टा भाव कहते हैं। दृष्टा का अर्थ ही होता है कि केवल भोले भाव से आपको देखना है, आप रहते हुए भी उस स्थान पे नहीं रहते, आप उपस्थित भी हैं नहीं भी हैं, इसी दृष्टा भाव कहते हैं। यह ध्यान की दूसरी पद्धति हम बता रहे हैं, जो शास्त्रों में इसे बहुत ही गहराई से पतंजलि में बताया गया है और सभी जगह बताया गया है कि दृष्टा भाव बन जाओ। तो हम जब ध्यान लेंगे, तो जब सांस लेंगे, आंख बंद रहेगा, तो केवल सांस को आते जाते हम देखेंगे, हम कुछ भी हलचल नहीं करेंगे, उस बीच में जो भी होता है उसे होने दें। देखिए 2 मिनट के लिए हम बताते हैं, हम गहरी सांस ली, अब हम मौन धारण कर लिए, आंख बंद है, मन स्थिर है, पूरा शरीर ढीला है, बिल्कुल कोई तनाव नहीं है, शांत होकर के अब मैं केवल सांस को छोड़ दिया हूं। सांस आ रही है, जा रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इसे, जिस प्रकार की जो प्रकृति में हो गई है, हो रही है, उस पे आपका कोई भी बस नहीं है, आप उसे चुपचाप देख सकते हैं, शांति से देख सकते हैं। वही प्रकृति की ये गोद में आप बैठे हैं और प्रकृति रूपी सांस जो है आपके अंदर चल रही है और आप उसे देख रहे हैं। इसी ध्यान की दूसरी पद्धति कहते हैं धीरे धीरे धीरे, आप बिल्कुल गहरी गहरी स्थिति में उतर जाएंगे, शांत हो जाएगा मन, बिल्कुल शांति। यह 15 मिनट कुल मिलाकर के हुआ, 10 मिनट आप पहले कर चुके हैं और ये 5 मिनट का ध्यान होगा। केवल मन को छोड़ दे, जो विचार होता होने दे, कुछ भी नहीं करना। जैसे एक छोटा बालक है, उसे जितना जिस चीज के लिए रोकेंगे वो उतना उस कार्य को करने के लिए दौड़ेगा, करेगा, मना करने से भी कर सकता है। तो आप उसे क्या करते, अगर छोड़ दीजिए 2 मिनट में वो करते करते खेलते खेलते फिर दूसरी ओर चले जाएगा। तो मन की भी वही स्थिति है, मन को जितना बांधने की, जितनी ही बांधने की कोशिश करेंगे, मन उतना दौड़ लगाएगा। मन को छोड़ दें, अपने आप होने दें, आपको दृष्टा रहना है, आप रहते हुए भी वहां पे नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, शांत होने दें, शांत
पांच मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आते जाते सांस की उस केंद्र बिंदु को भी आप समझने लगेंगे, अंतःकरण में अनुभव करने लगेंगे कि सांस की वह ध्वनि आपको मिलने लगेगी, वह बिल्कुल अंत स्थिति ध्वनि में पहुंचाएगी और आपको नीचे अंदर अंदर अंतःकरण में उतार के चला जाएगा। यह इतनी असीम शांति देती है, इतना तनाव मुक्त करता है, इतने शरीर को चार्ज कर देता है कि आप किसी भी कार्य के लिए बिल्कुल पूरी तैयार हो जाते हैं। जब यह ध्यान 15 मिनट हो जाता है तो बिल्कुल स्थिर होकर धीरे 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 अचेतन मन को हम फिर 15 मिनट के बाद चेतन में लाएंगे। आंख बंद ही रहेगा और हम अपने आप को जागृत अवस्था में लाने लगेंगे और एक मिनट के बाद दोनों हाथ को घर्षण करते हुए और अपने आंख पे रखते हुए फिर हम धीरे धीरे छोड़ देंगे। यह ध्यान की पद्धति आपके लिए अमृत के समान है, अमृत तुल्य है, विश्वास करें। 25 साल से इसे मैं कर रहा हूँ और लोगों को करवा रहा हूँ, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग से भी लोगों को मुक्ति मिली है। तो बिना किसी प्रकार का कोई चाहत से मैं जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ, कृपया आप अपने जीवन में इसे अपनाएं और जीवन में खुशी लाएं, समृद्धि लाएं और जीवन को आनंद ढंग से जिए, आनंदित होकर के जिए, अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ एकजुट होकर के जिए। जय गुरु।